जिंदाबाद जिंदाबाद, भाषा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नौ सूत्री मांगों के लेकर के हम लोग गांधी मैदान में हैं। हम लोग को कहना है सरकार से ये बात, आप लोग ये पहुंचाइए कि हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखते हैं, तो क्या अपना बच्चा को हम लोग भूखे पेट सुलाएं? कोरोना काल से अपने वेतनमान की लगातार मांग कर रही आशा कार्यकर्ताओं का फिर से प्रदर्शन एक बार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ अनिल। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आशा कार्यकर्ताओं का आज प्रदर्शन था, जिसमें जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बाद इन्हें पटना पुलिस की टीम ने गांधी मैदान में ही पैक कर दिया है और वहीं आशा कार्यकर्ताओं को समझाने में जुट गई है। हालांकि आशा कार्यकर्ताओं ने अपने नौ सूत्री की मांगों को लेकर यहां पे प्रदर्शन किया है और वहीं अब जिला प्रशासन द्वारा 5 डेलीगेट्स को जिलाधिकारी से मिलने भेजा गया है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं आशा कार्यकर्ता और क्या है इनकी मांगे, सीधे सुनवाते हैं आपको। वहीं इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए पटना के टाउन DSP अशोक कुमार सिंह क्या कह रहे हैं, ये भी सुनवाते हैं आपको। नौ सूत्री मांगों के लेकर के हम लोग गांधी मैदान में हैं। हम लोग को कहना है सरकार से ये बात, आप लोग ये पहुंचाइए कि हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखते हैं, तो क्या अपना बच्चा को हम लोग भूखे पेट सुलाएं? हम लोग भूखे काम करेंगे? हम लोग को 1000 रुपया बोले थे नीतीश कुमार, वो भी नौ काम दिखाइए तब, नहीं तो 1000 का हकदार नहीं है। नौ काम पे 1000? हाँ, नौ पर डिलीवरी कराएंगे तो 1000। हाँ, नौ काम, ऑपरेशन कराएंगे, डिलीवरी कराएंगे, टीकाकरण कराएंगे, गृह भ्रमण कराएंगे, नौ काम दिखाएंगे तो 1000 रुपये। हम बीटा प्रखंड से हैं, रेणु सिन्हा। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग 2006 से आशा कार्यकर्ता काम कर रही हूं और हम लोग का कमीशन पर काम हो रहा था, तो कमीशन कितना है? 100, 150, 100, 200, 400, 500 रुपया है। 100 रुपया में 15 दिन काम कौन करेगा? मजदूर, हम मजदूर को खटाते हैं तो 600 रुपया देते हैं, 350 रुपया देते हैं मजदूर को, और हम किसी सरकार के यहाँ खटने जाते हैं तो हमको मिलता है 50 रुपया में, 100 रुपया में 15 दिन काम। बताइए, हमारा बाल बच्चा नहीं है? मजदूरों से भी कम, मजदूर से भी बदतर हैं हम लोग। मजदूर के 500 रुपया है, आशा कार्यकर्ता के 100 रुपया है। अब फिर कितना दिन से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब सरकार बदलेंगे तो हम लोग का करेंगे, अब सरकार बदलेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तब मजबूरन हो के हम लोग आशा कार्यकर्ता सब रैली निकाले हैं, हड़ताल किए हैं। हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा, कहते हैं कि हम तो सभी मांगों को पूरा करते हैं, कुछ भी अगर मांग पूरा कर देते मुख्यमंत्री तो हम लोग यहाँ गांधी मैदान आने का क्या शौक था? हम लोग अपना घर द्वार बाल बच्चा छोड़ के आए यहाँ। क्या हम लोग 2006 से ही काम कर रहे हैं? 12 जुलाई से हड़ताल पर हैं और हमारी मांग है कि 21000 रुपया हम लोग का मानदेय दे, और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें, घोषित करें और पेंशन दें। आज किस काम के लिए जुटे थे आप? आज हम लोग आए थे ये यही मांग करने के लिए, वेतन के लिए। क्या था आप लोग का प्रदर्शन? प्रदर्शन में यही था कि हम लोग का सरकारी कर्मचारी घोषित करें। नहीं, अभी तो गए मिलने, उधर से क्या सूचना आती है? मेरा नाम सुषमा कुमारी है, अथमल गोला प्रखंड से आई हूँ। क्या उन लोगों को परमिशन नहीं दिया गया या फिर यहाँ पे रोक दिया गया, क्या कुछ मामला? आशा कार्यकर्ता लोग अपनी कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन हेतु आई थी और अपना उन्होंने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गांधी मैदान के अंदर ही, और उनके तरफ से 5 आशा कार्यकर्ताओं को DM महोदय के यहाँ मिलने के लिए भेजा गया है। जो उनका मांग है, उनके मांगों को लेकर के, उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु भेजा गया है और उनका प्रदर्शन फिलहाल अभी समाप्त हो गया है। पर इन लोगों का प्रदर्शन था कि गांधी मैदान से DM कार्यालय तक जाना था, क्या इनके पास परमिशन नहीं थी? ना, इनके पास कोई परमिशन नहीं थी और हम लोग किसी भी सूरत में इनको जाने भी नहीं देते, गांधी मैदान के बाहर हम लोग नहीं निकलने देते, और हम लोग जो उसका कानून भंग करती, जो उल्लंघन करती, हम लोग उन पर कार्रवाई करते हैं। सर, क्या मांगे हैं इन लोगों का? मांग है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमको सरकारी कर्मी के रूप में रखा जाए,
वेतन दिया जाए इत्यादि इत्यादि। तो इनका तो मानदेय उस इस, जो जिस शर्त पर इन लोगों का नियुक्ति हुआ था, बहाली हुई थी, उसमें यही था कि ये लोग जितनी भी प्रसूति कराएंगे, डिलीवरी कराएंगे, तो प्रत्येक प्रसूति पर इन लोगों को 1,000 रुपया देने का प्रावधान है। 1,000 रुपया इन लोगों को मिलता है, जितना ये लोग प्रसूति सरकारी अस्पताल में कराती हैं उसके अनुसार इन लोगों को 1,000 रुपया मिलता है। उसके अलावा तो और कोई शर्त नहीं था उस समय, इसीलिए इन लोगों का मांग नाजायज़ था। परंतु फिर भी हम लोगों ने इनको यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन समाप्त होने करवाने के पश्चात डीएम महोदय के यहाँ ज्ञापन के साथ हम लोग भिजवा दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आशा कार्यकर्ता लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे एकजुट हुई है और वहीं अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आ रही है, वहीं सरकार से ये सीधे मांग करती नजर आई है कि उनके बकाए वेतन और समान काम समान वेतन की मांग को सरकार सुने, वहीं 9 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे सरकार इनकी। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।